अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंस्पेक्टर साहिबा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये कुड़ी मेरी बहू नहीं है। ये आपकी बहू है मां। मैंने विधि से शादी की है। इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं। देखिए तो, इनकी खुद की सांस होने के बावजूद भी ये कैसा गंदा बर्ताव कर रही है अपनी बहू के साथ। आप ले जाइए इन्हें। चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। गिरफ्तार कर लो। रुक जाइए। आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ कोई हिंसा नहीं हो रही। आप रुक जाइए। आप लोग को बहुत तकलीफ पहुंची होगी, उसके लिए माफी मांगते हैं। देखिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। औरतों पे अत्याचार करने वालों को कानून छोड़ता नहीं है। हमने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। आप रुक जाइए। चलो। वाह विधि वाह, इतना बढ़िया मौका मिला था इसे इस हवेली से बाहर निकालने का, और तुमने वो मौका भी गवा दिया। अरे तुम चाहती क्या हो? अच्छा भला तो आपने नहीं सोचा निशान को वर्षा के बारे में, जब उन्होंने ये सब किया। लेकिन डॉक्टर साहब ने उन्हें कोई सजा नहीं दी, तो अब डॉक्टर साहब की माई को हम भला सजा क्यों दें? ब्याह कर लिया इस कुड़ी नाल? ब्याह कर लिया तूने? क्यों? हालात ही कुछ, हालात का वास्ता मत दे। हालात चाहे जो भी हो, दुश्मन की बहू को अपने घर की लक्ष्मी बना लिया तूने। मां मेरी बात सुनो। मां मेरी बात तो सुनो। मां आप प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो। लग रहनी कासी टपक पड़ी, इन्हें वापस दिल्ली भेजना पड़ेगा। वो मेरी माँ को बहुत पसंद कर रही है। तुम इतने सैड क्यों होते हो काना? देखो, भगवान जी ना बच्चों की सब प्रार्थना सुनते हैं। तो हम जाके भगवान जी से प्रार्थना करते, तब तक तुम हमारा फोन देखो, इसमें कुछ खेलो। हे माँ, ये छोटे काना की गंदी ग्रैनी को ना वापस भेज दो, दिल्ली से भी बहुत दूर, और जल्दी भेजना। वाओ, माँ इन ड्रेसों में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी जैसी है ना। आगे ये ब्यूटीफुल कपड़े कहाँ गए? मैंने तो उन्हें सिर्फ बोरिंग कपड़ों में देखा है। चलो ना, हम उन्हें ये वाले कपड़े देते हैं। हमें पता है उनके रंग बिरंगे कपड़े कहाँ हैं, वहाँ अलमारी के ऊपर। तुम ना हमें गोद में उठाओ और हम ऊपर से पोटली उतारेंगे। मैं कैसे उठाऊंगा? आप मुझे गोद में उठाओ। एक नन्ही सी जान से इतना काम करवाते, चलो हम उठाते। यहाँ आओ। विधि आपकी बहू है मां। मैंने विधि से शादी की है। इस कुड़ी नाल ब्याह कर लिया तूने? क्यों? हालात ही कुछ, हालात का वास्ता मत दे। ये इतने नए कपड़े यहां कैसे आए? ये सब मैं लेके आया हूँ माँ।
आपके पास इतनी ब्यूटीफुल साड़ी है, फिर आप ये फीका कपड़ा क्यों पहनते हो? जब कोई बहुत खास समय छोड़ के जाता है ना, तो जिंदगी से सारी खुशियां चली जाती हैं और सारी इच्छाएं भी। लेकिन माँ, भगवान ने आपसे किसी एक को छीन कर आपको दो लोग भी तो दिए हैं, मैं और पापा। तो अब तो आप पहन सकते हो ना कलरफुल साड़ियाँ। प्लीज माँ। जूनियर, बेटा क्या बदतमीजी है ये? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? और किस हक से इनसे ये जिद कर रहे हो तुम? कान्हा जी भी तो यशोदा मैया के आगे जिद करते हैं ना। माँ, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। अगर आपको कलरफुल कपड़े नहीं पहनना है तो मत पहने। मैं भी आपकी तरह फीका कपड़ा पहनूंगा और यहाँ रहूंगा भी नहीं, वापस हॉस्टल चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ को सैड नहीं देख सकता। जूनियर, तुम्हें जो कपड़े पहनने हैं पहनो, तुम्हें हॉस्टल वापस जाना है चले जाओ, लेकिन आज के बाद इनसे जिद नहीं करोगे तुम, ठीक है? यशोदा मैया अपनी कान्हा की बात ना माने ऐसा कभी नहीं हो सकता। मारी जिंदगी से तो सारे रंग चले गए, लेकिन मैं थारी जिंदगी से रंग नहीं उड़ने दूंगी। तो फिर आज आप ये पहनो, देखना वहां इसमें आप बिल्कुल एंजल लगोगी। मैं अपने पुत्र के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। जूनियर, क्या बदतमीजी है, इस तरह से विधि को इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दो। माँ, लोग यहाँ से सॉफ्ट होते हैं तो उन्हें मनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। जूनियर, एंजल लगोगी माँ, अभी तो सिर्फ साड़ी हुई है, चूड़ी तो अभी बाकी है। Oh,
पापा माफी मांगो सिंदूर लगाइए। नहीं बेटा रहने दो। अरे ऐसे कैसे रहने दो, माँ को पूरा रेडी करना है। हाँ तो सिंदूर तो लगा नहीं पड़ेगा, वो खुद लगा लेंगे। हस्बैंड वाइफ को सिंदूर लगाता है तो ये काम आपको ही करना पड़ेगा। मुझे हॉस्पिटल में थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। मुझे भी बहुत काम है, मैं जाती हूँ। फिर से काना का मैजिक चल गया, आपकी मांग भर गई। ए काना जी, अब ये कौन सी नई लीला रच रहे हैं आप? सोचा था कि इस जन्म में सिर्फ बन्ना सकिन आपका सिंदूर सचेगा हमारी मांग में। काना जी क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ये सब? जैसी लग रही हो, यशोदा माँ जैसी। पापा एक फैमिली फोटो निकालना है। पापा माँ के कंधे पे हाथ रखिए, माँ अब पापा की तरफ देखिए ना, पोज कीजिए ना।
ये तमाशा मैं और नहीं देखूंगी, समझा? मैं क्या कर रही हैं आप? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि खुद को नुकसान पहुंचाऊं। तू अपनी चिंता कर और साथ में इसकी। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी नजरों में इस रिश्ते का, इस शादी का कोई मोल नहीं है, कोई देर नहीं, और मैं अपने जीते जी ना तो इस रिश्ते को स्वीकार करूंगी और ना इस लड़की को। मैं इस रिश्ते को जलाकर राख कर दूंगी। राख, आग लगा दूंगी इस रिश्ते में मैं। दिन हुए तुझे यहां आए हुए, भूल गया अपना दिन? तोमर खानदान ने तुझसे तेरा जीवन साथी छीना, भूल गया अपना बदला? इसी परिवार के कारण तेरा प्यार तुझसे छिन गया और आज तूने दुश्मन से ब्याह कर लिया। कहां गया वो बदला जो इस परिवार से लेने वाला था तू? ये है तेरा बदला, ये है तेरा इंतकाम। छी छी, इतनी अच्छी पिक्चर आई थी तीनों की, हिटलर कहने में सारे जला दी। रुको, हाथ चल जाएगा आपका। इसी चीज के लिए इतना उदास क्यों हो गए? पिक्चर ही तो है, हम वो कभी भी खींच सकते हैं। रुको, स्माइल करो। आ ये मर गई ये गिन्नी, फोन ही नहीं उठा रही। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे यहाँ। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी गिन्नी को फोन करके पूछता हूँ कहाँ पहुंचे। कोई जरूरत नहीं, उसकी माँ अभी जिंदा है उसकी चिंता करने के लिए। और तुझे क्या पड़ी है मेरी या मेरी बेटी की? तू तो बन चुका है ना उस विधि के पल्लू से। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपको बताया ना किन हालातों में मैंने विधि से शादी की थी। मैंने सिर्फ एक बेसहारा लड़की की मदद के लिए कदम उठाया था, बस। मैं अपना मकसद नहीं भूला, तोमर खानदान से बदला लेने का मकसद, और वो तो खुद इस खानदान के जुल्मों की मारी है। विधि से हमारी क्या दुश्मनी है? खड़ी तो दुश्मनों के साथ ही है ना। एक बात याद रख ले, दुश्मन के साथ खड़ा होने वाला दुश्मन होता है, दोस्त नहीं होता। विधि हमारी दुश्मन नहीं है, और ये बात आप जल्दी समझ जाओगी। और आप अभी मुझे अपने पैर दबाने का मौका दो, सेवा करने का मौका दो। चलो चलो चलो। नहीं हो रहा मेरे पैर में दर्द। अरे आपके पैर में हो रहा है दर्द, मुझे पता है ना। पैर दबाने दो, आप इतना सफर करके आए हो, आप थक गए होंगे, वो सब बातें बाद में करेंगे। मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि तू क्यों कर रहा है ये सब। चैलेंज करोगे आप? Obviously.
जितनी भी लंच तक आ जाएगी मैं ना विधि को बोल के खाना बनवा लेता हूँ। उसके हाथों में ना जादू है, कमाल का खाना बनाती है वो, मजा आ जाए। जितनी भी तारीफ कर ले उसकी, मुझे वो कभी पसंद नहीं आने वाली, समझा? अच्छा मेरी माँ मत करना पसंद, ठीक है? पैर से दबाने दो। मुझे हाथी चींटी का चुटकुला सुनाओ। अरे सुनाओ ना। अरे नहीं आ रहा याद मुझे। अरे बचपन से सुनता आया हूँ, याद आएगा, सुनाओ। नहीं सुनाना। अच्छा मुझे याद आ रहा, मैं सुनाता हूँ। एक बार ना एक हाथी और चींटी, ये लोग जा रहे हो। अब चींटी जो है वो हाथी के पीठ पे चढ़ के बैठ जाती है। सैर पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, रास्ते में एक पुल आता है। अब चींटी हाथी से पूछती है कि भाई तू पार कर तो लेगा ना या मैं उतरूं? अरे हंस तो हंसी आ रही है। हसा, हसा, हसा। मैंने सफल हो गई, मेरी दिन बन गया मेरा। वाह। मैं तुझे कैसे बताऊं कि तेरा ये प्यार, ये विश्वास देखकर मैं अपने आप को कितना खुशनसीब महसूस करती हूं, और मैं तेरा ये भरोसा, ये प्यार अपने हाथों से उस विधि के हाथों में तो कभी नहीं जाने दूंगी।